तो दोस्तों आज एक ऐसी ट्रिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि जो कि आपको एक बैक ऑफिस जॉब के लिए, डाटा एंट्री जॉब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डेटा होता है आपका एक्सेल फाइल पे, उस पर आप चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे देखा होगा कंपनीज में चार्ट वगैरह बने हुए होते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो आज मैं बात करूंगा कि चार्ट बनाते कैसे हैं और कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, या उसको कैसे डेटा यहाँ से ये सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैं इसके बाद में जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिकमेंडेड चार्ट का, तो इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। अब इनमें से आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला एक चार्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और ये मैंने ओके कर दिया। अभी क्या होगा, जैसे चार्ट ये यहाँ पे एक आ गया मेरे पास, तो इसके बाद क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो अक्टूबर वाली लाइन है जो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, अभी अक्टूबर वाली लाइन जो यहाँ तक आ रही है, तो अगर जैसे आप कुछ वैल्यू चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 27 है अभी, मैं इसको यहाँ पे 90 कर देता हूँ और यहाँ पे इंटर करूँगा, तो देख रहे हो आप अक्टूबर वाली जो लाइन है वो ऊपर बढ़ गई। मतलब ये चार्ट है कि इस वैल्यू को सेलेक्ट करके आप जैसे ही वैल्यू पे चेंजमेंट करोगे वो चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंजमेंट होते रहेंगे। तो इस हिसाब से आप बना सकते हो, अगर कोई भी यहाँ पे वैल्यू आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इस चार्ट पे आप क्लिक करके यहाँ से सारी डिजाइनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई और इस तरीके का चार्ट चाहिए, इस तरीके का चार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल चार्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको किसी सर्किल वाला चार्ट होता है तो अगर इस वैल्यू को आप सेलेक्ट करोगे, आपका तो ये चार्ट नहीं चाहिए, तो इस वैल्यू को आप सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, रिकमेंडेड चार्ट पे जाओगे और यहाँ से आप वैल्यू, ये जो सर्किल वाला चार्ट होता है आप वो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे जो जुलाई वाला है कॉलम वो ग्रीन है, अब मैं यहाँ पे जुलाई में जाके इसकी 90 कर देता हूँ और मैं इसको इंटर करूँगा, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे 90 हो गई है। तो इस तरीके से आप चार्ट ऐड कर सकते हो और चार्ट पे काम कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।